सिंधी सोशल वेलफेयर सोसाइटी नाकामदार अजमेर के संयोजक गोविंद छतवानी व कमल शानी ने बताया कि सामुदायिक भवन मधुबन कॉलोनी मदार में गायक कलाकार चंद्रप्रकाश भगत द्वारा भैराना साहिब का आयोजन में भजन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ सिंधी हनुमान चालीसा के पाठ से किया गया। समारोह में मुरली लाल चंदानी को दादा झमटमल टिलवानी पुरस्कार, विश्नी जाली को दादी सुशील मोटवानी पुरस्कार, डॉक्टर उज्ज्वल पोहानी को दादा गोवर्धन भारती पुरस्कार, नेहा जेसवानी को भावहरी सुंदर सम्मान, पिया टहलियानी को दीदी सुंदरी केवल रमानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आराध्य देव झूलेलाल की मूर्ति पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर किया गया। पल्लव प्रार्थना के साथ समापन किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉगर भाग्यश्री दरियाणी द्वारा संचालन एवं रंगारंग प्रस्तुति दी गई। समाजसेवी आसानंद और निर्मला आसवानी को उत्कृष्ट सेवाओं पर सम्मान किया गया। समारोह में दयाल शेवाणी, राजू दादलानी, राजकमल जेसवाणी, जेठो बालानी, अशोक टेकवाणी, अशोक खिलनानी, राजकुमार सावलानी, लक्ष्मण सबनानी, राजू साधवानी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनसंख्या तेजी से वधन करे सरकार शहर के बाहर नयू कॉलोनी ठाहिण शुरू कयूं तो सभी का पेरी सिंधी उते वसी रहा। 1970-80 के दशकन में नाकामदार क्षेत्र में नयू ठहंदर कॉलोनियों में घणा ही सिंधी परिवार अची रहण लगा। साल 1987 में पैंजा कुछ मानवर जागरूक सिंधी भावरन के मन में ख्याल आयो तो पैंजे पखरेल सिंधी के जोड़न लाए कुछ कजे। उन्हें सभी मिली करे सिंधी सोशल वेलफेयर सोसाइटी नाकामदार के नाले से एक सिंधी पंचायत की शुरुआत कई। गुलाबबाड़ी और मदार के बीच में ठहंदर सभी कॉलोनियों में घर घर वनी करे घड़ी मेहनत से सभी सिंधी परिवार के इन सोसाइटी से जोड़ो है। अज के डी उन्होंने शान में उन्हें मानवर के याद करे मेहरबानी जाहिर था क्यों जैसे मानवर पैंजे हिस्से की समाज सेवा करे भगवान के प्यारा थी वह उन्हें में खास हैं दादा रूपचंद पोहानी, अम्मा सुगनी बाई असवानी, दादा सुंदरदास दादलानी, दादा रतन साहनी, दादा नारायण दास कोटवानी, दादा ईश्वर शिवनानी, दादा हरीश भाटिया, दादा शेवाराम वाधवानी, दादा परसराम असवानी। ईश्वर जी दया सा बिज मानवरन श्री लालचंद वरियानी और हिंदू प्रेस वाला श्री हरीश वरियानी जो मार्गदर्शन भी सोसाइटी के अजताई मिले रो है उनका कोई घड़न ही सिंधी भावरन।